नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज का विषय है सुबह का रियाज। कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब अच्छे कमेंट्स करते हैं और कुछ कुछ आप सीखना चाहते हैं उसके बारे में भी आप लोग बताते हैं। तो अभी मैं पीछे ही देख रही थी कि सुबह के रियाज के बारे में कुछ बच्चों ने पूछा है, तो आज का फिर यही विषय मैंने लिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, सुबह सुबह यानी जो लोग रात को जल्दी सो जाते हैं फिर सुबह उठ पाते हैं, वो 4 बजे 5 बजे 6 बजे जब भी उठे आप तब आप रियाज कर सकते हैं। और जो कुछ बच्चे हैं जो कि रात को काम करते हैं, पढ़ते हैं, सोते नहीं है, मतलब आधी रात तक, फिर उनकी सुबह कब होती है? जब भी उनकी सुबह होती है, जब भी वो उठते हैं तब आपको कैसे रियाज करना है, उसी के बारे में मैं आज बातचीत करूँगी। देखिए, जब आप पहला रियाज शुरू करते हैं दिन का, तो आपको तार सप्तक पे रियाज नहीं करना है एकदम से। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सा का रियाज करना है। सा का रियाज क्यों करना है? क्योंकि सा सबसे मेन स्वर है और सा से ही सभी स्वरों को स्थान मिल जाता है। एक साधे सब सधे। अगर आपका अभी सा ही क्लियर नहीं है, सा ही आपका अगर गले से नहीं आ रहा, तो बाकी स्वरों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि वो ठीक से लगेंगे। इसलिए सा को समझना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ हम खड़ज के स्वर यानी मंद्र सप्तक के स्वरों का भी अभ्यास करेंगे। सा से लेके नी ध प जहाँ तक आपका स्वर जाता है, उन सभी स्वरों का अभ्यास करेंगे और शुद्ध स्वर का अभ्यास करेंगे आज की कक्षा में। इसी तरह हर रोज आप, या हर हफ्ते ले लीजिए, एक हफ्ते आपने शुद्ध कर लिया, फिर आपने अगले हफ्ते आपने कोमल स्वरों का अभ्यास किया, इस तरह से करेंगे। और आज की कक्षा का जो सबसे मेन बात यह है कि आप मेरे साथ रियाज करेंगे और मुझे लगता है आप लोग तैयार हैं। और बैठ जाइए, ऐसे पलथी मार के बैठिए और पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए जैसे कि आप योग साधना करने बैठे हैं, क्योंकि संगीत भी एक साधना है, एक योग है। इसमें भी सांसों का रहता है, सांसों को कैसे रोकना है, कैसे लेना है, कितनी देर तक रोकना है, कैसी कैपेसिटी आपकी बढ़ानी है सांस को रोकने की, ये सारी चीज़ों का अभ्यास इन स्वरों के साथ साथ आपका होगा। और मैंने स्केल जो लिया है वो सी शार्प लिया है, क्योंकि जब बच्चे यहाँ आते हैं, कुछ बच्चों के पास तो गॉड गिफ्टेड रहता है कि वो किसी भी स्किल से वो लोग गा पाते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर नोट किया जो बच्चे आते हैं उनका ना तो स्वर नीचे जाता है ना ऊपर जाता है, ये दिक्कत आती है। तो उसका अभ्यास करने के लिए आज की कक्षा मैंने मतलब तैयार की है आप लोगों के लिए और हम अभी शुरू करते हैं। जितना मैंने बातचीत करना था मैंने कर लिया है, अब हम तानपुरा ऑन करके सिर्फ रियाज करेंगे और कंसंट्रेशन के साथ अपना आँख बंद करके भी आप कर सकते हैं, ताकि सारा ध्यान जो आपका है वो स्वर का, जो सा का है उसका साउंड पे रहे। तो सबसे पहले हम सा के स्थान पे ओम का अभ्यास करेंगे और उसके बाद आ ई ऊ, फिर हम ऐसे अम, इस तरह से, और फिर हम सा लगाएंगे। और एक एक चीज़ का, एक एक मतलब सा पे जो हम इन 5 चीज़ों का अभ्यास करेंगे वो हम 5 बार करेंगे, 5 टाइम्स, ठीक है? और गहरी लंबी सांस लेंगे, सांसों को रोकेंगे और फिर अभ्यास शुरू करेंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं, आप सब तैयार हैं और मैं तानपुरा ऑन करती हूँ। Thank you.
तो ये था सा पे पहले ओम लगाया, फिर आ ई उ, फिर हम और फिर सा लगाया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी हमने 5-5 बार गाया, आप 10-10 बार जितना आप कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम लिमिट है उस हिसाब से आप अभ्यास करिए, और ये आपको रोज़ करना है। अब हम करेंगे मंद्र सप्तक पे रियाज। ऊपर कुछ काम चल रहा है, उसकी खटखट भी आवाज़ आ रही है, वो देखती हूँ अभी कैसे करना है। धा सा
Ah.
तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये था रियाज का तरीका, किस तरह से आपको रियाज करना है उसके बारे में आज मैंने बातचीत की। और आखिर में जो मैंने गायत्री मंत्र गाया, ये आप हर स्वर पे गा सकते हैं, जैसे आपने आ से ऊ ई ये सब प्रैक्टिस किया आकार में, तो ये एक एक स्वर पे आप मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, वो भी एक तरह का अभ्यास है। और मुझे उम्मीद है आज की कक्षा का आपको आनंद आया होगा। और जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं, अगर वो इस तरह से सीखना शुरू करें तो ज़रूर बहुत अच्छे से वो लोग गा पाएंगे। और थोड़ा सा धैर्य से सीखना होता है म्यूज़िक को, पेशेंस के साथ, क्योंकि एकदम से आता नहीं है। कुछ कुछ बच्चों का तो मैंने जैसे पहले भी बताया, अभी शुरू में भी बताया था, गॉड गिफ्टेड रहता है और वो जल्दी कर लेते हैं। और किसी किसी का स्वर जो वो बहुत मुश्किल से नीचे आता है। तो अभी मैंने ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम मंद्र सप्तक के षड्ज तक ही आपका आवाज़ जाए, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक आपका जाता है वहाँ तक प्रयास करिए, उसके बाद अगले स्वर का अभ्यास कीजिए, ये तरीका है। तो आज के लिए इतना ही, और अच्छे से अभ्यास कीजिए। अगली कक्षा में हम कोमल स्वरों का, खड़ज के स्वरों का प्रयास करेंगे। नमस्कार।